नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसमें आज लोअर सर्किट आपको देखने को मिला है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि इस शेयर में लोअर सर्किट भी लगने वाला है। आप देखेंगे ये वो वीडियो है, यानी कि तिलक वेंचर लिमिटेड। इस कंपनी के लिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने डायरेक्टली बोला था कि ये शेयर में जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ली है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे उनके लिए फायदा है और जो लोग स्टार्ट नहीं किए होंगे उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब यह शेयर काफी बुरी तरीके से गिरने वाला है। तो ऐसे में इस कंपनी का क्या सपोर्ट लेवल होगा, कंपनी कहां तक गिरेगा, जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या डिटेल्स हो सकते हैं और जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे थे अभी तक, उन्हें कहां पे मौका मिल सकता है, सब कुछ बात करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो यह कंपनी इतना ज़्यादा चर्चित में क्यों है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे ₹1.70 वाला शेयर ₹54.40 का हाई बनाता है, यानी कि एक साल के अंदर इतनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिला है। अगर इस कंपनी के दो साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 9000% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों से इस कंपनी में काफी ज्यादा भारी तेजी देखने को मिल रहा था, इसीलिए यह कंपनी ज्यादा आपको चर्चित में देखने को मिला था। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो कल भी हमने बात किया था कि ₹52 का एक कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि यह कंपनी ब्रेक करके इसके ऊपर निकल आया था। लेकिन इस कंपनी का जो अगला रेजिस्टेंस लेवल था वो ₹56 से ₹57 का लेवल था और कंपनी उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से गिरना स्टार्ट कर चुका है। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए आगे क्या करना चाहिए, देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट में। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो मैंने कहा था 92 से लेकर 95 का RSI जैसे ही पहुंचता है आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और मैंने कुछ और डिटेल परसेंटेज की भी बात किया था, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो अब आपके लिए क्या डिटेल्स हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अब यह कंपनी करेक्ट होना स्टार्ट हुआ है तो इतना जल्दी तो बाउंस बैक नहीं करेगा। अगर इसके RSI के थ्रू बात करें तो यह कंपनी 50 के RSI के पास जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर यह कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज यह कंपनी अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर 30 के RSI तक जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब तक इस कंपनी में कोई बड़ा ऑपरेटर इंक्लूड नहीं होता, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं इंक्लूड होता, तब तक इस कंपनी में आपको कोई भारी तेजी नहीं देखने को मिलेगा इन लेवल्स से पहले। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी अगर यहां से करेक्ट होना स्टार्ट करता है तो ₹28 के पास जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो फिर ₹20 के भी नीचे जा सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जो लोग अभी तक बेच नहीं पाए हैं, अगर उन्हें बीच में बेचने का मौका मिलता है तो आप चाहें तो प्रॉफिट में अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर आप लॉस में हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इंटर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दे जाएगा, आपको लॉस में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह कंपनी अगर नीचे जाता है तो इस कंपनी को आप नीचे भी बाई करके एवरेज कर सकते हैं। बाई कब करनी चाहिए, अगर यह कंपनी ₹30 के आसपास आपको मिल जाता है तो आपको एवरेज करना है। जो लोग फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं वो लोग भी इस कंपनी को ₹30 के आसपास पहला इंस्टॉलमेंट लगाकर बाई कर सकते हैं। कंपनी अगर और ज्यादा नीचे जाता है तो आपको और ज्यादा बाइंग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।